तो आपको शॉप के बारे में कैसे पता लगा? कुछ नहीं, मैंने बस गूगल पे देखे, रिव्यूज वगैरह देखे। तो मैं अपनी वैरायटीज दिखाई दी एक बार हमें कि किस तरीके की वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है और आपके पास कौन कौन से टायर्स मिल जाते हैं। मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा था? और वही 48 का भी था, 45 का भी था। यहाँ पे मेरे को अप्रोक्सीमेटली वी हैव 4 पैटर्न्स इन टीवीएस फॉर योर जुपिटर। कोई टायर हमारा ख़राब होने लगता है, अभी उसमें कोई पंचर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें हमें ट्यूब भी डालनी पड़ती है, तो उसके बारे में ही पता कर लेते हैं। भैया के पास ट्यूब्स भी होती है तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज, एंड यू वॉचिंग दीप्स क्रिएशन एंड आई एम दीपांशु दीप। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बेस होने वाला है कि मेरे को अपनी स्कूटी का टायर चेंज कराना था, तो मैं करोलबाग मार्केट में आया था कि किस तरीके से मैं टायर चेंज करा सकता हूँ और मेरे को बेस्ट प्राइस कहाँ मिलेगा। तो पूरी मार्केट में मैंने काफ़ी सारी जगह टायर्स पहले मतलब पता कर लिया है, और इससे पहले मैं टायर चेंज करवा चुका था। तो मेरे को एक बेस्ट शॉप और बेस्ट ओनर यहाँ पे मिले जिनका नाम है राघव, और अभी मैं उनसे आपको मिलवाने वाला हूँ और उनके पास जो भी वैरायटीज़ है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि पीछे मेरी शॉप होने वाली है, और पीछे शॉप का बोर्ड आपको दिख रहा है अभी, तो शॉप का बोर्ड ये है। और अभी आप देख सकते हैं मैं आपको वैरायटीज़ दिखा देता हूँ, और यहाँ पे सबसे कम प्राइस में आपको टायर्स मिल जाएंगे। तो इसे करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिए लाइक, और कमेंट करना तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमेशा की तरह। तो अभी मैं भैया के पास जाने वाला हूँ और आपको मिलवाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आके किस प्राइसिंग मिल जाएगी। और डिस्काउंट तो हमेशा की तरह आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि हमारे थ्रू आने वाले को हर बंदे को डिस्काउंट मिलता है। तो मैं एक अच्छी शॉप पर आकर के आपको बेस्ट प्राइस दिलाने के लिए आया हूँ। तो आज देखते हैं कि किस तरीके से क्या प्राइस, और आप अपनी मार्केट में ही पता कर सकते हैं कि आपको यही सेम टायर कितने किस प्राइस में मिल रहा है, और यहाँ पे करोलबाग से आने के बाद इस शॉप पे आपको कितने का मिलने वाला है। मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ और आगे टायर्स दिखाता हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप है टीवीएस की, और थोड़ा ही सेंटर है भैया का टीवीएस के टायर्स का। तो यहाँ पे एक भैया आए हैं जिन्होंने टायर के बारे में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी पता किया था, और उसके बाद भैया के पास आए थे। तो भैया का एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि भैया का क्या कहना है इस बारे में कि किस तरीके से उनको यहाँ पे आने के बाद सर्विस मिली, और क्या भैया को लगता है कि यहाँ पे आकर के क्या प्राइस उनको मिल जाती है। तो भैया ने अपना नाम बताया पहले। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली से ही हूँ। तो एक्चुअली मेरे को ये राजको का टायर चाहिए था अपनी इंटरसेप्टर 650 के लिए। तो हर जगह मैंने इसको चेक कर लिया था, प्राइसिंग का ही मेन था कि प्राइसिंग का मेन इशू रहता है कि इधर उधर जाते हैं प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा मिलती है, ऑनलाइन में भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे भैया के पास मेरे को प्राइसिंग बहुत अच्छी मिल गई, एंड 48 का भी था, 45 का भी था। यहाँ पे मेरे को अप्रोक्सीमेटली वो प्राइस मैं डिस्क्लोज भैया से पूछे कर दूंगा। बाकी प्राइसिंग जो भी है मेरे को तो मतलब कोई ऐसी जान पहचान लगाने की वजह से नहीं, मेरे को वैसे ही वॉक इन करती है, मेरे को बहुत अच्छा प्राइस मिल गया। बताई देता हूँ, 4200 का प्राइस मिल गया, तो 300-400 रुपये टायर में बच गए, और क्या चाहिए। तो शॉप के बारे में कैसे पता लगा? कुछ नहीं, मैंने बस गूगल पे देखे, रिव्यूज़ वगैरह देखे, तो मैं डायरेक्टली इनके पास ही आ गया। रस्ते में जितनी दुकानें आ रही थी उनको घूमता हुआ आ गया, तो सब पे देखा, एंड में प्राइस यही अच्छा मिला है। गूगल रिव्यूज जो थे वो बिल्कुल जेन्युइन थे। आपको टायर में कोई फर्क लग रहा है या फिर जैसे कि आप? नहीं नहीं, वो सेम ही एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से आते हैं, एंड ही इज अ होलसेलर, तो होलसेलर होने की वजह से इनके पास वैसे ही काफ़ी सारे पीस होते हैं, तो फ्रेश पीस ही मिला। तो चेक करना आता है मेरे को कि टायर ओके है क्या नहीं है, तो टायर एकदम जेन्युइन है। प्रॉपर बिल मिला है, साथ में भैया ने रेश्योरेंस दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। बिल मिला है, जीएसटी पेड बिल मिला, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल दिखा दीजिए इनको। बिल मैंने अभी भैया से कलेक्ट करना है, तो एक्चुअली यहाँ पे आ गया था आपके सामने, अभी बिल से कलेक्ट करना है जी। और आपको कार्ड दिया भैया ने? कार्ड भी दिया, तो वारंटी कार्ड भी दिखाएंगे भैया? कार्ड भी दिखा देंगे। सो गाइस, जैसे कि मैं शॉप पे आ गया हूँ और शॉप ओनर से मैं आपकी बात कराया था, और चलो चलते हैं शॉप ओनर के पास। तो भैया आप अपने बारे में एक इंट्रो दे दीजिए हमारे ऑडियंस को, सभी को बता दीजिए अपने बारे में, और कितने टाइम से आपका यहाँ पे काम है, ये सारी चीज़ें अब आप बता दीजिए। हाय, माय नेम इज़ राघव, एंड हमारी जो ये दुकान है सर ऑटो ट्रेडर्स, ये 1992 में मेरे डैड ने शुरू करी थी, तब से हम इधर ही हैं। और मेरे को खुद को पर्सनली यहाँ पे 6 ईयर्स हो गया है, एक्सपीरियंस जो है मेरा 6 ईयर्स का है यहाँ पे। एंड ये दीप आया हमारे पास टायर लेने, तो दीप आप कौन सा टायर लेना चाहेंगे? भैया जैसे कि आपको पता ही है मेरे पास टीवीएस जुपिटर है, जैसे हमारी जुपिटर यहाँ पे खड़ी है, तो इसके लिए मेरे को एक टायर चाहिए जो कि मतलब सिटी के अंदर वैसे भी मेरी ज़्यादातर यूज़ होती है हाईवेज पर, तो उसके रिकमेंड के लिए मेरे को कोई एक अच्छा टायर चाहिए जो मेरे को बैक से और पीछे के लिए चाहिए टायर बेसिकली। दीप आपको पीछे के लिए चाहिए, तो हमारे पास 3 कंपनियों के टायर पड़े हैं अभी, तो बट पीछे के लिए जैसे आपको चाहिए, मैं आपको टीवीएस का ही रिकमेंड करूँगा, कि उसमें आपको एक थ्रेड ग्रिप का टायर रिकमेंड करूँगा, जिसमें मोटी गुड्डी का जो हम बोलते हैं देसी भाषा में, तो वो आई रिकमेंड यू दैट टायर, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है भैया, आप
अपनी वैरायटीज दिखाई दी एक बार हमें कि किस तरीके की वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है और आपके पास कौन कौन से टायर्स मिल जाते हैं। दीप ये MRF का है, ये मैं पीछे के लिए इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक जैपर पैटर्न टायर है, तो पीछे के लिए जो आपका टायर लगता है वो थोड़ा मोटी गुड्डी का होना चाहिए क्योंकि जितना भी आपका इंजन लोड जो भी होता है वो सारा पीछे होता है और मोटी गुड्डी का जो टायर होता है वो स्किड नहीं मारता, इसका बारिश में स्किड मारने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब इसको फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं इस टायर? हाँ, इसके लिए फ्रंट के लिए दिस इज द बेस्ट टायर। और कौन सी वैरायटीज आपके पास होती है? दी फिर ये C8 का टायर है, इसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये भी डबल गुड्डी का टायर है? हाँ, ये भी मोटी गुड्डी का ही टायर है अभी। ओके, इसको आप लगा सकते हैं, बट समहाउ पर्सनली आई डोंट लाइक दिस टायर क्योंकि जो थोड़ा क्लेम प्रोसेस C8 का थोड़ा हमारे यहाँ से टायरिंग है, तो मैं आपको जो टायर रिकमेंड करता हूँ। तो भैया इनकी क्या मतलब आपकी तरफ से सर्विस कैसी रहती है कि अगर आप ये टायर मैं आपसे परचेज कर लेता हूँ इन फ्यूचर मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस होती है या फिर टायर से रिलेटेड या फिर मेरे को चेंज करना है तो इससे क्या मतलब आपका रहता है रिस्पॉन्स मेरे लिए? C8 में जैसे अगर आपकी कोई कंप्लेंट आ जाती है तो इसका हमारे यहाँ से टर्न अराउंड टाइम हो जाता है 3 to 4 days, तो उतना आप वेट करेंगे नहीं। अगर आप से 4 दिन बिना टायर के कैसे रह पाएगा कोई? तो वही मैं उसके लिए, अगर आपको एकदम क्लेम वारंटी सब कुछ हाथों हाथ चाहिए तो आई रिकमेंड यू TVS टायर्स। तो अब हम TVS के टायर्स के ऊपर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अथोराइज भैया का ये स्टोर जैसे कि स्टोर है और यहाँ पे आप ले सकते हैं यहाँ से कोई भी टायर जैसे कि आपको चाहिए। तो भैया अब आप TVS के टायर्स मेरे को कौन सा रिकमेंड करेंगे और कौन कौन से टायर है आपके पास अवेलेबल, डिज़ाइंस और जो भी इनके पैटर्न्स होते हैं वो सारे हमें दिखाइए। देखो दीप, वी हैव 4 patterns इन TVS फॉर योर जुपिटर। ये दीप 4 pattern है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्टा 725, ये जो टायर है दिस इज स्पोर्ट्स टायर, ये अगर आपको हाई स्पीड चाहिए, अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, बट आप जैसे हाईवेज पे भी जाते हैं तो बम्पी रोड्स पे भी जाते होंगे, तो आई वॉन्ट रिकमेंड यू दिस टायर, दिस इज अ वेरी मतलब ये स्पोर्ट्स टायर है। ये टायर सिटी और हाईवेज के लिए अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसका टायर साइज क्या है? 90-90-12। अच्छा, तो 90-90-12 इसका टायर साइज है जो कि जुपिटर में लगता है? जो भी जुपिटर में लगता है। ठीक है, और बताइए भैया दीप, ये टायर हमारा शायद एंटोक के फ्रंट में भी लगा सकते हैं इसको? नहीं, वो 180 bar आता है। 180 bar है, ओके सॉरी। तो हम ये चीज अब देख सकते हैं एंटोक जुपिटर में तो लगी जाएगी ये चीज हमारी? हाँ, जुपिटर में लग जाएगी। तो आप दूसरा टायर ये बताओ। दूसरा टायर ये है, ये अभी TVS कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च करा है, काफी अच्छा टायर है, एकदम C8 से मिलता जुलता टायर है ये, इसको कहते हैं ड्यूरा प्रो। ये जो टायर है दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेबल फॉर योर बाइक, फॉर योर जुपिटर। एंड जैसे कि भैया मैं देख पा रहा हूँ कि ये टायर सेम C8 जैसा दिखने में है, इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है और ये C8 जैसा ही दिखने में लगता है, पर इसकी सर्विस आपके पास मेरे को ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी कि आप हैंड टू हैंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हाँ इस TVS के टायर की एक अच्छी बात है, आप 3 साल तक इसकी अनकंडीशनल वारंटी है, आपके टायर को कुछ हो जाए, कट जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, आप हमारे पास टायर ले आओ, अगर इसमें 50% वेयर डेथ है तो वील पास योर क्लेम Within half an hour। तो ठीक है भैया। भैया मैं ये चाहता हूँ ना कि अब आप टायर्स के साथ ना मेरे को प्राइस भी बताते रहे कि किस टायर का कितना प्राइस होने वाला है अगर कोई लेने के लिए आ रहा है। दीप ये आपको हम देंगे 980 का, ये इसे कहते हैं ड्रैगन, ये भी आपकी राइड के लिए बहुत अच्छा है, ये हम आपको देंगे दीप 1000 का, और ये TVS का सबसे ज़्यादा प्रीमियम टायर है, ये दीप आपको पड़ेगा 1100 का। Okay. और ये टायर जो है ये हमारी जुपिटर है, इधर ये खड़ी है, इसके बैक पे हमने लगाया हुआ है और हम इस पे टायर भी लोड करते हैं, तो अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपके पास भैया के पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ मिल जाती है और यहाँ पे जितने भी शॉप्स है, मतलब भैया अभी जैसे कि एक कस्टमर आए थे आपके पास और उन्होंने कहा कि और जगह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम मिल जाता है आपके पास, तो इसका क्या रीज़न है? दीप हमारा थोड़ा होलसेल का काउंटर है तो इसलिए हमारा थोड़ा बेस्ट रेट रहता है मार्केट से, बाकी आप अभी भी ट्राई किसी से कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो बेसिकली आप सभी किसी होलसेल रेट में टायर्स दे देते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक टायर चेंज कराया था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C8 का मैंने टायर लगवाया था, तो ये मेरे को कॉस्ट कर जाता था 1100 के करीब, तो भैया बता रहे हैं कि उस टाइम ये टायर और ज़्यादा सस्ता था, जैसे कि अभी इसका प्राइस क्या होगा भैया?
अभी 1030 का टायर है ये। 1030 का टायर, तो उस टाइम जब मैंने 2 से 3 महीने पहले इसको लगवाया था तब क्या प्राइस था इसका? तब दीप इसका प्राइस अराउंड 1000 रुपीज़ तक होना चाहिए था। ओके, तो मेरे को 150 का पड़ा। तो मतलब आपको छोटा मोटा या किसी भी तरीके से कह सकते हैं आपको, आपको डिस्काउंट यहाँ पे आने के बाद मिलना ही मिलना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल गुद्दी का टायर मिल जाता है इस रेंज में हमें। तो ये वाला सिंगल गुद्दी का टायर जो मैंने लगवाया है पीछे बैक साइड में, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है पीछे लगाने, इसलिए मैं इस टायर को अब आगे लगवाने वाला हूँ। और यहाँ से एक टायर लेकर के अभी इनमें से कोई एक टायर देखते हैं भैया मुझे कौन सा सजेस्ट करते हैं, तो उस टायर को मैं बैक साइड में लगवाने वाला हूँ, फिर उसका रिस्पॉन्स मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ट्यूब्स रखी है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन में दोबारा जो टाइम आ रहा है वो स्पोक व्हील्स का आ रहा है। जैसे कि आप रॉयल एनफील्ड की हिमालयन देख सकते हैं और इंस्ट्रक्टर देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी बाइक्स ऐसी है जो स्पोक व्हील के साथ आ रही है। और या फिर अगर इन चीज़ों की भी बात ना करें तो अब कोई टायर हमारा ख़राब होने लगता है, अभी उसमें कोई पंचर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें हमें ट्यूब ही डालनी पड़ती है। तो उसके बारे में ही पता कर लेते हैं भैया के पास ट्यूब्स भी होती है, तो इसका क्या प्राइस रेंज रहने वाला है और किस किस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C8 की, TVS की, MRF की, और भैया के दो अपने ब्रांड भी हैं उनकी भी इन भैया के पास है, तो इन सब की प्राइसिंग जान लेते हैं और कौन सा ब्रांड आपको भैया सजेस्ट करते हैं उस चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं भैया से। तो भैया आपका क्या सजेशन रहता है और कौन सा किस कौन कौन से ब्रांड आपके पास हो जाते हैं दिखाने के लिए, और कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि कस्टमर्स के लिए वर्थ है लेना? सर अगर हम ट्यूब्स की बात करें तो हमारे पास C8 है, TVS है, MRF है, सारी ट्यूबें हैं, ओरिजिनल हैं। और अगर ओरिजिनल में लेनी है C8, MRF, TVS कोई भी आप ले सकते हो, सेम है। MRF का प्राइस रेंज जो रहता है वो 250 के आसपास रहता है, C8 और TVS का 180-170 के आसपास रहता है। और बट जो हम रिकमेंड करते हैं, अगर टायर आपका बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया और ट्यूब का ये है कि कील मतलब नेल लगेगी तो पंचर होएगा ही होगा, तो हमारे पास दो ब्रांड है अपने, एक सिवानो और एक रोवेक्स, ये भी प्योर ब्यूटाइल ट्यूब्स हैं दोनों, और क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है इसकी। आप इनको सिवानो की ट्यूब को आप MRF और C8 और TVS की ट्यूब से कंपेयर कर सकते हैं, और रोवेक्स थोड़ी सी हल्की क्वालिटी में है। रोवेक्स आपको 100 रुपये के अराउंड कॉस्ट करती है, और जो सिवानो की ट्यूब है ये आपको 110 के आसपास कॉस्ट करती है। तो भैया आपको मतलब इनकी क्या फ़र्क हो सकता है या फिर इनकी वारंटी गारंटी से लेकर हर एक चीज़ क्या सेम ही रहती है? हाँ, वारंटी गारंटी सबकी सेम रहती है, सारी कंपनियाँ ही जो वारंटी गारंटी देती है वो आपको नलकी की और जॉइंट की दो चीज़ की गारंटी देती है। हम भी अपनी ट्यूब्स में वही गारंटी देते हैं पंचर से पहले पहले। और लाइफ सबकी सेम ही होगी? लाइफ सबकी सेम है, मटेरियल भी सब में सेम ही यूज़ हो रहा है? मटेरियल सब में सेम है, बस ये है कि एक ब्रांड बन गया है तो उसका ब्रांड वैल्यू है, और एक हम अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं तो उसका मतलब ब्रांड अपने नाम से जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है वही है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर एंडोर्सिंग सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली यू हैव टू टेक आउट योर एक्सपेंसेस। तो ठीक है भैया, अब आप मुझे कौन सा टायर सजेस्ट कर रहे हैं और कौन सा टायर मैंने हमने मतलब डिसाइड किया है दिखा दीजिए वो पब्लिक को। टायर दीप आप ये ले रहे हैं TVS का ड्रैगन, ट्राई पॉलीमर थ्रेड कंपाउंड टायर है, गुड फॉर योर सिटी ड्राइव एंड हाईवे ड्राइव एंड बम्पी राइड। और इसमें आपको दीप 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी आ रही है, और अच्छा टायर लिया आपने। वो देखते हैं। और भैया वारंटी गारंटी का क्या रहता है टायर का? अभी आपने मेरे को इसका तो बता दिया ट्यूब्स का क्या वारंटी गारंटी है, तो टायर्स का क्या वारंटी गारंटी का पर्पज़ है ये बताइए। टायर में भैया आपको 3 साल की अनकंडीशनल इसको गारंटी मिल रही है, टायर कट जाए फट जाए 3 साल से पहले पहले 50% इसमें डेप्थ हो मान लो तो आपको हम क्लेम पास कर देंगे दीप विद इन हाफ एन आवर। एंड बाय चांस अगर ये वाला टायर स्टॉक में नहीं हुआ तो हम आपको अपग्रेड कर देंगे दूसरे टायर में फॉर द एक्सपेंस, और दैट्स इट। तो जैसे अब मैंने ये टायर लिया है आपसे तो मुझे आप क्या चीज़ कार्ड या फिर मैं आपको एक वारंटी कार्ड दे रहा हूँ दीप, हमारी दुकान का ही कार्ड है, उसके बीच हमने आपको एक वारंटी कार्ड दिया, अगर बाय चांस ये आप रख लीजिए और ये आप हमें दिखाओ ना दिखाओ आप TVS का टायर ले रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। हाँ भैया मैं यही जानना चाहता था जैसे इनकेस मैं इसको रख के भूल जाता हूँ या फिर मेरे को नहीं मिल पा रहा उस टाइम पे जिस टाइम मेरे को इसमें वारंटी की ज़रूरत है, तो इनकेस उस चीज़ में आप क्या करते हैं? कोई बात नहीं दीप, टायर पे हमेशा एक डेट लिखी होती है, एंड ये मैं सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि कभी भी कहीं से भी टायर लें आप टायर की डेट जरूर चेक करें। ये देखिए दीप, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। हाँ ये देखिए आप, ये एक टायर का स्टेंसिल नंबर होता है 1206-5121 states 51st week of
फर्स्ट ईयर, तो यहाँ से हम 3 साल की गारंटी देते हैं दीप कंपनी जो करें। Turn the bass up.